चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के ईश्वर करने का जो विचार चल रहा था, जिसमें भाष्य में कहा गया था ननु एवं से लेकर के यावत दृष्टि भावी ही सा, यहाँ तक के भाष्य के ऊपर एक पहला भाष्य के ऊपर वार्तिकाचार्य कुछ लिखते हैं, कोई बात चल रहा तो वार्तिक में वार्तिक कुछ टीका हो गई थी, टीका से देखना है। अविरोधम उपसंहरती मान 11-28 पृष्ठ में तृतीय पंक्ति में अविरोधम उपसंहरती, कोई विरोध नहीं है, देखना भी होता है न देखना भी होता है। पूर्व वाली ने शंका उठाई थी, सुशुद्ध आत्मा बस देखता है अंदर, ऐसा नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता। पश्यन भाई तन्न पश्यति, देखता हुआ नहीं देखता कैसे हो सकता है, देखेगा तो नहीं देखेगा नहीं लेकिन देखे दोनों कैसे हो सकता है। इस संतों का है कि सिद्धांत ने इसका जो अविरोध किया था, विरोध नहीं है, उसी में स्पष्टीकरण करते कहा नहीं ना करके बात सुनते बात भी मिल जाता। न पश्यते इति वचनम काल काले असंभवा वास्तव प्रथमापेक्षा पश्यन नहीं तद इति रियते, ये बात मिल जाता। न पश्यति जो वचनम पश्यन भाई तन्न पश्यति, ऐसा है न पश्यति जो वचन कहा वो वचन किस लिए कार कार्य असंभव चक्षुरादि इंद्रियों का अभाव है, उस काल में कारकादि नहीं है, उस काल में कारकादि असंभव वास्तव कृतमापेक्षा वास्तविक उसके स्वभाव को लेकर के आत्मा का स्वभाव लेकर पश्यन भाई तद इति रहते पश्यन भाई पर देखता हुआ ही है, क्यों स्वयं प्रकाश है वो देखता है। न पश्यति कहा इंद्रियादि का अभाव है सुषुप्ति अवस्था में, इसे न पश्यति कहा, यही कहा न पश्यति की वचनम पश्यन भाई तन्न पश्यति कहा है। तो इसका जो वचन है कारकादि रसम, उस काल में कोई कारकादि कुछ भी नहीं है, चक्षुरादि इंद्रियादि नहीं है, वास्तव कृतमापेक्षा वास्तविक को लेकर के उसका स्वरूप को देखते हुए पश्चिम भाई तभी लेते देखता हुआ ही होता है, उस काल को देखता है, बड़े स्वरूप ज्ञान है वहाँ, विषय का अभाव होने से विषय का ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान का अभाव है, सामान्य ज्ञान है। विशेष ज्ञान क्यों नहीं है, घटपट आदि विशेष होता तो विशेष ज्ञान होता, और सुषुप्ति अवस्था घटपट आदि नहीं है, इसलिए विशेष ज्ञान का अभाव है, ठीक होता है, ठीक कहा है। पश्चिम वास्ते नहीं इत्यादि, नहीं इत्यादि बार नहीं इत्यादि वाक्यम आकांक्षा पूर्वक आगत्य, आगे श्रुति में नहीं द्रष्टु दृष्टेर विपरीत को विद्यते अविनाशित्व, श्रुति में यही है। तो इस वाक्य को जिज्ञासा पूर्वक कथन करते हैं, करते ग्रहण करते हैं, नहीं इत्यादि वाक्यम आकांक्षा पूर्वक आगत्य ग्रहणाति, जिज्ञासा पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं, कैसे जिज्ञासा पश्चिम इत्यादि शब्द से कहा वाक्य कहते हैं पश्यनेवायमत्रास्तो भवेदुसिद्ध्यर्थ नहीं द्रष्टुरीतीरण पूर्वादी आकांक्षा है, पश्यन भाई एवं अयम अत्र आस्त अत्र सुसुप्तौ सुसुप्ति अवस्था में देखता हुए होता ऐसे कुतो भवेद, ये कैसे हो सकता है, क्यों कारकादि नहीं वहाँ, इत्यस्य हेतु सिद्ध्यर्थम इसके हेतु सिद्धि के लिए कारण सिद्धि के लिए कैसे वहाँ देखता हुआ होता है, कारकादि के अभाव होने पर भी कैसे देखता है, ये हेतु सिद्धि के लिए नई द्रष्टु ईरण कथन कहा, नई द्रष्टु दृष्टि विपरीत विद्यते अविनाशित्व, ये हेतु कथन किया, दृष्टा की जो दृष्टि है दृष्टारूप जो दृष्टि है साक्षी, साक्षी का अभाव वहाँ नहीं है, इंद्रियादि के माध्यम से नहीं देखता है तो साक्षी रूप से है, टीका से देखना पश्चिम एवं आस्ते कहा हुआ है, पश्चिम एवं आस्ते देखता हुआ ही होता है वहाँ सुषुप्ति अवस्था में आत्मा देखता हुआ होता है, दृष्टा स्वरूप है,
पश्चिम आस्ते सुप्तौ आत्मा इत्यस्य अपेक्षित हेतु, अपेक्षित क्या हेतु है वहाँ, तो कहते हैं हेतु स्वरूप ज्ञान अविनाशी, स्वरूप ज्ञान का अविनाशी ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है वह, विषयों का ज्ञान नहीं, विषय का अभाव होने के कारण तो स्वरूप ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान ज्ञान अविनाशन अविनाश, स्वरूप ज्ञान का विनाश नहीं है, अतः तत्प्रत्यह उसी के ज्ञान का, कोई स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं उस काल में, स्वरूप ज्ञान है एक कथन के लिए नहीं इत्यादि वाक्य विचार, नहीं द्रष्टु दृष्टि विग्रह अविनाशी न तो तद्वितीय अस्थित तथो अन्य विभक्त पश्य इत्यादि वाक्य इसके लिए है। वहाँ दृष्ट मतलब साक्षी रूप जो ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं है, इसलिए पश्चात वही बोला हुआ है, और विशेष ज्ञान नहीं इसलिए न पश्चात ही बोला हुआ है। ठीक है, कुतो महाराज अतिरिक्त स्वरूप ज्ञान आत्मा सिद्धि कहते प्रमाण के बिना, गुरुवाय बोलता है मान मान प्रमाण, प्रमाण के बिना स्वरूप ज्ञान से आत्मा की सिद्धि कैसे हो, किसी वस्तु की सिद्धि प्रमाण से होती है, घट का ज्ञान केवल घट से नहीं, घट के लिए प्रमाण चाहे चक्षुरादि हो तब घट का ज्ञान होगा, प्रमाण के बिना आत्मज्ञान से आत्मा की सिद्धि कैसे होगी, ये शंका है गुरुवाय की। कुतो महाराज अतिरिक्त प्रमाण आदि का अभाव है, प्रमाता भी नहीं प्रमाण भी नहीं, उसका आयु सुषुप्ति काल का प्रमाता भी नहीं है प्रमाण भी नहीं है, तो प्रमाण आदि का अभाव के कारण स्वरूप ज्ञान आदि, स्वरूप का ज्ञान है प्रमाण आदि नहीं है, ऐसे मात्र से ज्ञान आदि आत्मा सिद्धि होता है, कैसे सिद्धि होगी आत्मा जो वहाँ सुषुप्ति अवस्था में आत्मा की सिद्धि स्वरूप ज्ञान से कैसे हो, प्रमाण आदि है ना वहाँ, ये शंका आ गई, तो इसके उत्तर देते हैं मेय इत्यादि बोलते हैं, मेयमान प्रमात्रे राम व्यभिचारे पितात्मा अनन्यानुभवादे सिद्धिस्तद्वंश साक्षितः एक मेय मान प्रमाण, विषय होता है उसको मेय कहा जाता है, हाँ कोई मेय नहीं है, विषय नहीं, प्रमाण भी नहीं, प्रमाता भी नहीं, त्रिपुटी का अभाव है, न प्रमाता है सुषुप्ति काल में, न प्रमाण है, न प्रमेय है, अभाव है, व्यभिचार उनका तीनों का अभाव है, सुषुप्ति काल में व्यभिचार है, मेय मान प्रमाण मात्र, ये सब का प्रमाण जो विचार है वहाँ है नहीं, न विषय है न प्रमाण है न प्रमाता है, तीनों का अभाव होने पर भी आत्मा अन्य अनुभवादेव, आत्मा जो अन्य के द्वारा अनुभव के योग्य नहीं है, आत्मा अन्य से नहीं स्वयं अनुभव स्वरूप है, अन्य के द्वारा अनुभव नहीं होता, जैसे घट जड़ है अन्य के द्वारा अनुभव होता है उसका, क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं, अनन्य अनुभवादेव आत्मा एक आत्मा जो है अनन्य अनुभव, न अन्य अनुभव अनन्य अनुभव, अन्य अन्य का अनुभव नहीं स्वयं का है, स्वयं ज्ञान स्वरूप से सिद्धि माने आत्मा की सिद्धि हो जाती है, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय उस काल में होने पर भी आत्मा की सिद्धि होती है, क्यों तत्वंश साक्षित, ये तीनों का जो अभाव हो रखा है उस सुशुद्धि काल में, मान मेय प्रमाता ये तीनों का, ये तीनों के अभाव का सिद्धि साक्षी से है, उसका अभाव की सिद्धि हो रही है उस काल में, तीनों नहीं है करके कौन जानता, आत्मा जानता है उस काल का, इसलिए ये कहा तद्वंश साक्षी तक तत्से लेना, ये मेय मान प्रमाता ये कृष्ण ये इसका अभाव को जानता है उस काल आत्मा स्वरूप ज्ञान से होता है, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाण अन्य वस्तु की सिद्धि के लिए दिया जाता है, जो प्रमाण देने वाला व्यक्ति पहले ही होता है, प्रमाण देने वाले का व्यक्ति के लिए प्रमाण नहीं होता, यदि व्यक्ति न हो प्रमाण देने वाला कैसे प्रमाण देगा, इसलिए आत्मा के लिए अन्य देश आत्मसिद्धि के लिए अन्य प्रमाण आने की आवश्यकता नहीं, ये कहा ठीक है मैं मात्रादि अभाव साक्षित्वात् प्रमाता आदि के जो अभाव का साक्षी है सुषुप्ति काल में आत्मा, प्रमाता नहीं है प्रमेय नहीं है प्रमाण भी नहीं, उनका साक्षी अभाव का साक्षी है, मात्रादि मान प्रमाता आदि जितने भी हैं मातृ मेय मान ये तीनों के अभाव के साक्षी होने से आत्मा तद अभाव है भी, ये तीनों न होने पर भी प्रमाता आदि का अभाव है सुषुप्ति काल में वो न होने पर भी स्वरूप ज्ञान आदि में सिद्ध है, स्वरूप ज्ञान से सिद्ध होता आत्मा, प्रमाण के अभाव हो तब भी आत्मा की सिद्धि है, क्यों ये जो मात्रादि अभाव के साक्षी है प्रमाता आदि के अभाव के साक्षी आत्मा,
उस काल में सुशुद्धि काल में प्रमाद आदि नहीं ऐसे जानता है साक्षी होने से प्रमाण का अभाव होने पर स्वरूप ज्ञान से आत्मी सिद्धि हो जाती है। एक कहा तत्र तंत्र महात्मा की सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है आत्मा। तो ये अन्य हेतु विगत है प्रमात्रादि इत्यादि बोलते हैं। प्रमात्राद्यन विद्यातम वस्तु पूर्व समीक्ष ही नाद्राक्षमिति संधत्ते दृष्टवत्सुचिरात्मना। प्रमात्रादि अनभिव्याप्त वस्तु सुषुप्ति काल में प्रमाता आदि के द्वारा संबंधित वस्तु कुछ नहीं होगा। सुषुप्ति में प्रमाता प्रमाण प्रमेय कोई वस्तु नहीं होगा। प्रमात्रादि अनभिव्याप्त वस्तु प्रमाणा प्रमाता आदि के जो संबंध संबंधी वस्तु नहीं। जागृत स्वप्न में प्रमाता आदि के संबंधी वस्तु होते हैं किंतु उस काल में सुषुप्ति काल में वस्तु कोई वस्तु नहीं होगा। प्रमात्रादि अनभिव्याप्त वस्तु पूर्व समीक्षा उसको देख कर ही वहाँ देखता है वो वस्तु जो प्रमाता आदि का जो संबंध है वो व्यक्ति को वहाँ देखकर किसको वस्तु का अभाव को देखता है उसका क्या देखता है। प्रमाता आदि नहीं है, प्रमाता आदि के अभाव को देखकर नाद्राक्ष संगत है जो जागृत में आता है तो कुछ भी नहीं देखा बोलता है। क्या बोलता है? कुछ भी नहीं देखा मैंने वस्तु का अभाव होता बताता है। वहाँ पर ऐसे वस्तु का अनुभव किया था जो प्रमाता आदि का अभाव का अनुभव किया था उसी के यहाँ पर अनुसंधान करता है जागृत में। इसलिए भी आत्मा की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे हैं प्रमात्रादि अनुदात वस्तु पूर्व समीक्ष ही देख रही नादराक्षम संगत्य मैंने देखा नहीं बोलता है। किसी वस्तु को नहीं देखा वहां वस्तु का अभाव देखा ऐसे बोलता है आकर दृष्टवत स्वचिदार बना कर रहे। अब तो चित्रों का आत्मा भी होगा देखे हुए समान करके यहाँ बोलता है जागरूक में आकर के देखा हुआ जैसा करके बोलता है। वहाँ कुछ भी नहीं देखा मैंने इन वस्तुओं का अभाव को देखा था वहाँ उसका अनुसंधान करता है। ये कहा ठीक है पूर्व प्रमाणादि प्रवृत्ति है प्राग अवस्था प्रमाणादि प्रवृत्ति के पहली अवस्था में आत्मा होता है। आत्मा प्रमाण देता है इस प्रमाण के द्वारा इस वस्तु की सिद्धि करूंगा ऐसा सोचने वाला व्यक्ति पहले होता है। तो आत्मा की सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये कहना है पूर्वम प्रमाणादि प्रवृत्ति पूर्वम प्रमाण प्रमेय प्रमाता की प्रवृत्ति से पहली अवस्था शुरू अवस्था में प्राण अवस्था में तथा कहा प्राचीन अनुभव पुरुषरम अनुसंधान इत्यत्र प्रसिद्धि दिए तो वो ही शब्द ही दिया है वहाँ। तो ही किसके लिए कहते हैं प्राचीन अनुभव के अनुसरण ही करके बोलता है। सुषुप्ति में जो देखा था जागृति में आगे बोलता है सुषुप्ति में क्या देखा हुआ अनुभव क्या था इन प्रमाण आदि का अभाव को देखा था। प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं था प्राचीन अनुभव प्रसरण अनुसंधान क्योंकि अनुसंधान जो होता है प्रतिविज्ञा होती है बाद में स्मरण होता है वो अनुभव के बिना नहीं होता है। अनुभव के माध्यम से ही स्मरण होता है। तो जागृत में आकर के स्मरण कर रहा है बोल रहा है मैंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा ना द्राक्ष बोलता है कोई वस्तु को नहीं देखा मैंने बोलता नहीं देखा मैंने अभाव को देखा। प्राचीन अनुभव को सरल अनुसंधान विद्या प्रसिद्धि दे दो ही शब्द मुझे ही लगाया है उसको यही अर्थ है समीक्षा ही में यही काम का यही है ठीक है बोलते हैं। प्रमाण तो दृष्टस्य पुनरनुसंधान प्रमाण से जो देखा हुआ वस्तु जैसे जागृत में प्रमाण से देखा था किसी मंदिर आदि को देखा था चक्षु आदि के माध्यम से तो बाद में उसका अनुसंधान करता है बोलता है मैंने ऐसा मंदिर देखा बोलता है पहले अनुभव किया बाद में स्मरण करता है। इस ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अनुसंधान कर रहा है यहाँ आने के बाद जागृत में आने के बाद बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा वहाँ ऐसा बोलता है सुषुप्ति को लेकर इसका मतलब इन प्रमाण आदि का अभाव देखा था ये बोल रहे हैं। प्रमाण को दृष्ट से जागृत अवस्था में प्रमाण से जो देखा हुआ वस्तु है जाना हुआ वस्तु है घट को देखा पहले देखा उसके बाद जो बोलेगा मैंने घट देखा बोलेगा अनुसंधान करता है देखा पहले प्रमाण के द्वारा निश्चित हुआ जो वस्तु होगा उसको अनुसंधान करता है प्रतिविज्ञा करके बोलता है स्मरण करता है ठीक इस प्रकार पूर्व प्रमाण तो दृष्ट से पुनः अनुसंधान और जैसे प्रमाण से देखा हुआ वस्तु का दोबारा अनुसंधान होता है चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा विष्णु को जाना था उसका स्मरण करता याद होता है
बिना जाने याद नहीं होता अनुभव के बिना। इसी प्रकार तेन अदृष्ट से अभी दुर्विस्तार प्रमाण के द्वारा न देखा हुआ जो वस्तु है सुषुप्ति में कोई प्रमाण काम नहीं करते तो उसके समान तेन अदृष्ट से अभी तेन माने प्रमाण है ना प्रमाण के द्वारा जो अदृष्ट वस्तु है उसका भी स्वरूप प्रतिबंध से अनुसंधान स्वरूप चेतन के द्वारा अपने स्वरूप अनुभव के द्वारा जो देखा हुआ वस्तु का अज्ञान का अभाव देखा था सुषुप्ति में वही प्रतिबंध से जो जाना हुआ है उसी का अनुसंधान दर्शन जागृत में आकर बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा मैंने अभाव को देखा वस्तु को नहीं देखा अभाव है। अनुसंधान उस प्रकार करता है सुषुप्ति में से जागृत में आने वाला जैसे कोई जागृत आदि अवस्था में देखे हुए प्रमाण के द्वारा जाना हुआ देखा हुआ पदार्थ को दोबारा अनुसंधान करता है मैंने ऐसा देखा करके बोलता है बाद में ठीक इसी प्रकार यहाँ भी सुषुप्ति से जागृत में आता है तो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा बोलता है तो ये नहीं देखा मैंने अभाव को वहाँ देखा है वहाँ अनुभव किया इसलिए यहाँ अनुसंधान करता है एक कहा स्वरूप चेतन के द्वारा तब सरा तद अविनाशिता करते इसलिए स्वरूप चेतन का अविनाशिता है विनाश है आत्मा का नाश नहीं यही है। पूर्वादि का कहना था कि आत्मा है ही नहीं सुषुप्ति अवस्था में नहीं है आत्मा आगंतु के जागृत में आता है सुषुप्ति में नहीं है आगंतु के यदि सुषुप्ति में आत्मा हो चैतन्य स्वभाव आत्मा हो तो जानना चाहिए नहीं जानता इसके मतलब आत्मा नहीं है वह चैतन्य नहीं है आगंतु आत्मा में जो चैतन्य आगंतु के पूर्वादि का कहना था कहते उसका अभाव नहीं होता ही बोला अविनाशित है तात्पर्य में उपहार नहीं इत्यादि अक्षराधि अभी तक तो श्रुति का तात्पर्य बता दिया अब नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरीत को चिंतित अविनाश चल एक एक शब्दों का अर्थ बताते हैं आगे शब्दावली का अर्थ करते हैं कहा यस्माद इत्यादि शब्द बाकी में कहा यस्माद दृष्टुर ही अदृष्टि दृष्टा प्रसिद्धति तस्या विपरीपोयम यत्वभावात्मयुज्यते यस्माद दृष्टुर ही अदृष्टि दृष्टारूप जो दृष्टि है साक्षी है जो अथवा दृष्ट प्रमाता की दृष्टि माने साक्षी दृष्टु ही या दृष्टि दृष्टा की जो दृष्टि दृष्टा माने प्रमाता उसके जो दृष्टि माने साक्षी साक्षी यया दृष्टिया प्रसिद्ध दृष्टा जिस दृष्टि से दृष्टा की प्रसिद्धि होती है प्रमाता है करके क्या प्रमाण है कहते साक्षी प्रमाण है यस्मा दृष्टु ही या दृष्टि दृष्टा की जो दृष्टि है वो दृष्टि कैसी है यया दृष्टा प्रसिद्ध थी दृष्टा माने प्रमाता जिसके द्वारा प्रसिद्ध होता है यदि प्रमाता सिद्ध ही नहीं होगा यदि साक्षी न हो तो प्रसिद्धति तस्या विपरलोपोयम हेतु यत्वभावात् उसके कभी भी अभाव नहीं होता क्यों उसके भी अभाव करने के लिए कोई हेतु नहीं साक्षी के अभाव सिद्धि के लिए कोई कारण नहीं होता हेतु नहीं होता ठीक है दृष्टि विशेषण दृष्टि कैसी दृष्टि है दृष्टा की दृष्टि कैसी है तो कहते हैं उसे विशेषण लगाते हैं यया दृष्टा प्रसिद्धि का जिस दृष्टि से दृष्टा की प्रसिद्धि होती है जिसके बिना प्रमाता की सिद्धि भी नहीं होती प्रमाता प्रमाण प्रमेय की सिद्धि जिसके बिना नहीं होती वो दृष्टि है वो दृष्टि रूप दृष्टा हो मनोवृत्ति विदास हो विशेषणार्थ ये विशेषण क्योंकि किसके लिए दिया कहते हैं मनोवृत्ति को लेकर के कहना चाहते हो कहते मनोवृत्ति नहीं हो दृष्टि मन से भी देखा जाता है ऐसा नहीं स्वरूप दृष्टि है कहा इसलिए विशेषण का दृष्टा की दृष्टि बोला दृष्टा की दृष्टि मनोवृत्ति नहीं होती है तस्मात आत्मा पश्यन व सुप्तम तिष्ठति इसलिए आत्मा जो है ना सुषुप्त अवस्था में देखता हुआ ही रहता है सुषुप्त अवस्था में देखता हुआ ही होता है वो दृष्टि का अभाव नहीं होता कभी स्वरूप दृष्टि है वो दृष्टि स्वरूप दृष्टि कहा स्रोतो ही शब्दो ही शब्द आकृतर करें नहीं दृष्टुर दृष्टि में ही शब्द जो है वो सुना हुआ जो ही शब्द का यानी भाष्य में ही शब्द के द्वारा अनुदर्शन कर लिया बोलते भाष्य में लिखा था नहीं इत्यादि करके ही उसी का अनुदर्शन किया भाष्य तो न मात्र है और ही भाष्यकार न कहा आगे क्यों तो कहा ही मैंने इस बात श्रुति में जो नहीं दृष्टुर दृष्टि में ही शब्द है उसी का अनुदर्शन किया ये कहा इत्थम भाव है तृतीया ही शब्द का शब्द में ही शब्द शब्द से तृतीया विभक्ति इत्थम भाव है यथा
ये तम भूत लक्षण ही बोला जाता है, अरे कोई एक लक्षण देखने पर कहा जाता हो जहाँ उसको कहा जाता है तृतीय अभिमन्यु कह दी जाती है। जैसे जटाविष्टापसः बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई पड़ने से तपस्वी का अनेक लक्षणों में एक लक्षण है उसको लेकर तपस्वी कहा जाता है। इसी प्रकार से तृतीय अभिवृत्ति होती है। आत्मा चयन दृष्टि रूप स्फुरती सा तस्य स्वरूपत्वात् नाशकाभावात् ये तो न लुप्यते अतः सुप्त आत्मा पश्यदेव इति योजना, ऐसी योजना करना कहा महर्षि में। आत्मा च अयम आत्मा, ये जो आत्मा है दृष्टि रूप व साक्षी रूप है, दृक् स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है आत्मा, स्फुरति ऐसे स्फुरित होता है सा मतलब दृष्टि तस्य स्वरूपत्वा, दृष्टि और आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा का स्वरूप है दृष्टि, भेद नहीं है, आत्मा की दृष्टि नहीं है, आत्मरूप दृष्टि, आत्मरूप दृष्टि है स्वरूपत्वा। नाश का अभाव, उसका नाश नहीं होता, क्यों दृष्टि अलग हो तो नाश हो जाती दृष्टि की, घट दृष्टि नष्ट हो जाती, क्योंकि यह स्वरूप है, आत्मस्वरूप ही है दृष्टि, इसलिए उसका नाशक नहीं दृष्टि, कोई अभाव करने वाला कोई नहीं, नाश का अभाव विरोधी न होने से तो न लुप्यते, इसीलिए कोई दृष्टि का लोप नहीं होता, नहीं दृष्टि दृष्टि ऊपर लोग लुप्यते यही है। अतः सुप्त आत्मा प्रश्न भी, इसलिए सुसुप्त अवस्था में आत्मा देखता हुआ ही होता है, क्यों दृष्टि का अभाव होता नहीं, क्यों दृष्टि आत्मरूप दृष्टि है। हेतु अभाव प्रपंच अविनाशित्वात् इत्यस्य अर्थः, उस दृष्टि का नाश के लिए कोई हेतु नहीं, कारण नहीं, आत्मरूप दृष्टि के नाशक कोई भी नहीं है, यही कहने के लिए हेतु अभाव प्रपंच विस्तार करते हुए अविनाशित्वात् इत्यस्य अर्थः, आगे अविनाशित्वात् पद है, नहीं दृष्टि दृष्टि को खींचते अविनाशित्वात्, अविनाशित्वात् पद का अर्थ करते हैं नाश इत्यादि बोलते हैं, इस बात को बताया नाशोत्पत्यादयो धर्मा हेतु वस्तुनो यतः निरहेतु साक्षिणो नश्योर आगमा पाहि साक्षितः। नाशोत्पत्यादयो धर्मा, उत्पन्न होना विनाश होना जो धर्म होता है, ये जो वस्तु है उत्पत्ति विनाश वाले वस्तु जो होते हैं ना, वो नाश धर्म उत्पत्ति धर्म जिन वस्तु बन गया हुआ हेतुवत वस्तु रहता है, जो कारण वाला वस्तु होगा जिसका कारण होगा, जैसे घट मृतिका से बनता है, मृतिका कारण है, तो ये उत्पत्ति होता है, घट की उत्पत्ति होती है, नाश भी होता है, तो कारण वाला वस्तु जो होते हैं वो उत्पत्ति विनाश वाले धर्म वाले होते हैं, जिसमें दो क्रिया लग जाती है, कौन क्रिया उत्पत्ति क्रिया विनाश क्रिया, जिसका कारण होगा जैसे मृत्यु का कारण है घट कार्य है, तो घट उत्पत्ति विनाशील है, ये धर्म होने हो तो उत्पत्ति विनाशील ही होते हैं। नाशोत्पत्ति आदि धर्म, जितने भी धर्म है ना, नाश उत्पत्ति विनाश हो, उत्पत्ति धर्म हो, विनाश धर्म हो, यह हेतुवत वस्तु ना, हेतु वाला जो वस्तु होगा, कारण वाला जो वस्तु होगा, जिसका कारण होगा वो वस्तु के उत्पत्ति और विनाश जरूर है। निर्हेतु साक्षी हो, और साक्षी का कोई हेतु नहीं है, साक्षी के कहाँ से उत्पत्ति नहीं कर सकते, नाश भी नहीं होता। निर्हेतु साक्षी हो नश्यो, ये दोनों धर्म साक्षी में नहीं होगा, उत्पत्ति भी नहीं, नाश भी नहीं। आगवा पाई साक्षित, जो उत्पत्ति आदि धर्मों में उत्पत्ति और विनाश के साक्षी हो, अभाव भावाभाव सबके साक्षी हो, जो उत्पत्ति विनाश आदि धर्म जिसमें लगे हो, वो वस्तु को भाव काल में भी जानता है, अभाव काल में भी जानता है, शुद्ध भाव है साक्षी जानता है, और जागरण स्वप्न में भाव दिखता है, वस्तु दिखते हैं, साक्षी भाष्य है, साक्षी जानता है, इसलिए उस साक्षी का नहीं होता, क्यों वो उत्पत्ति विनाशशील धर्म के लिए होते हैं, जिसका कारण हो उसका होता है, कारण वाले को होता है, अकारण है साक्षी, कारण नहीं है, इसलिए उत्पत्ति विनाश धर्म होना संभव है, इसलिए अविनाशी कहा, अविनाशी का जो साक्षी रूपी दृष्टि अविनाशी है, इसलिए उसका नाश होना संभव नहीं, ये कहा ठीक है। अतो हेतु ही न साक्षी होगी, साक्षी के नाश उत्पत्ति के लिए साक्षी के कोई उत्पत्ति कारण नहीं है, हेतु ही कारण रहित जो साक्षी है उसका, उसका कारण नहीं, साक्षी लोग नाशादयो न इत्यत्रहा, इसका नाश आदि उत्पत्ति विनाश आदि होना संभव नहीं है, उत्पत्ति विनाश किसकी होती है, जिसका कारण हो, जो कारण से पैदा होगा उसका नाश हो, उत्पत्ति विनाश धर्म जहाँ है वो नाशवान होता है, साक्षी के कारण नहीं है कोई, जैसे साक्षी उत्पन्न होता हो विनाश होने के लिए कारण नहीं है, अन्य हेतु में कहते हैं आगवा इत्यादि बोलते हैं,
अन्य हेतु भी भय है इसके लिए। आगमा पाई साक्षिदय का उत्पत्ति विनाश वाले जितने भी वस्तु होते हैं, जो कारण वाले वस्तु हैं, उनके भावाभाव दोनों को जानता है। आगमा पाई साक्षिद आगम और अपाय दोनों के साक्षी हैं, वस्तु है घटपटादी जागृत में जानता है साक्षी भाष्य है, और सुषुप्ति में नहीं है अभाव जानता है, उसका विनाश होना संभव नहीं है। कहा ठीक हम कहते हैं तस्य साक्षी गम्यत्व असिद्धि आशंका नहीं, ये जो वस्तु की उत्पत्ति और विनाश साक्षी गम्य नहीं है, अन्य कोई जानता है, साक्षी के द्वारा नहीं जाना जाता है, शंका उठा करके उत्तर देते हैं नाश इत्यादि शब्द से, कहा नाश इत्यादि शब्द से बोलते हैं नाशादी न स्वयं सिद्धे बिना नाशादि साक्षिण ना तो विपरीलोक द्रष्टु दृष्टि कदाचन नाशादी न स्वयं सिद्ध, जो उत्पत्ति और विनाश स्वयं सिद्ध नहीं हो सकते साक्षी के बिना, यदि जानने वाला ना तो कौन उत्पत्ति विनाश को कौन जानेगा, नाशादी जो वस्तु का अभाव अथवा भाव दोनों का स्वयं न सिद्ध, स्वयं तो सिद्ध होना संभव नहीं है, जड़ है जो नाशवान पदार्थ, बिना नाश आदि साक्षण नाश हुआ अभी वस्तु नहीं है तो वो वस्तु जानेगा नहीं जानता, तो नाश आदि के साक्षी के बिना नाश आदि की सिद्धि नहीं होती, नाश आदि की सिद्धि हो रही है अभी वस्तु नहीं है, अभी वस्तु है सिद्धि होती तो साक्षी को लगा है ठीक है ना, तो विपरीतों पर से ऐसे जो साक्षी है जो भावाभाव पदार्थों को जानता है उस साक्षी का अभाव कभी नहीं होता, दृष्टु दृष्टि कदाचन कौन दृष्टा की दृष्टारूप जो दृष्टि है अथवा दृष्टा पर प्रमाता उसकी जो दृष्टि है साक्षी उसका कभी अभाव नहीं होता, ठीक है कभी लोप नहीं होता का ठीक है बोलते हैं। अन्यथा जड़ता है यदि वस्तु स्वयं अपने को जानता हो, जड़ वस्तु अपने को जानता हो, जड़ तो ज्ञानी होगी यदि जानता हो स्वयं मेरा नाश हो रहा मेरी उत्पत्ति हो गई मेरे नाश हो ऐसा जानता हो तो जड़ता की हानि होगी, जड़ तो नहीं रहेगा फिर वहाँ जड़ पदार्थ आपको दूसरे में कैसे जान दे, इसलिए उसके जो ज्ञान जिसको होता है साक्षी ये जड़ पदार्थ उत्पन्न हुआ नाश हुआ कहा आत्मा तत्साधकत्व घर महा, आत्मा उसका सिद्धि करता है जो उत्पत्ति विनाश वाले वस्तु जो हेतु वाले वस्तु होते हैं उत्पत्ति विनाश धर्म आता है कभी उत्पन्न होना कभी अभाव भावाभाव होता है, उसके साधक में फलित आत्मा साधक है उसका सिद्धि करता है अभी वस्तु उत्पन्न हुआ जानता है अभी वस्तु का नाश हो गया जानता है, निष्पन्न ज्ञान नाता है इत्यादि उस शब्द से कहा था निष्पन्न ज्ञान तो बताते हैं ना तो परिलोक दृष्टु दृष्टि कदाचन, इसी कारण से जो भावाभाव को जानता है वस्तु को होना न होना दोनों जानता है इसलिए उसका कभी भी दृष्टि का जो दृष्टा अथवा दृष्टि रूप दृष्टा के कभी अभाव नहीं होता ठीक है नाश नहीं होता ठीक है। हमें कहते हैं प्रमात्रा तत्सिद्धेर अलम साक्षिणा इति आशंका करते हैं, पूर्वादि की शंका है कि प्रमाता के द्वारा ही भावाभाव वस्तु की सिद्धि हो जाएगी, अभी घट है अभी नहीं है सिद्ध हो जाएगी प्रमाता के द्वारा, पर प्रमाता जिसको कहा जाता है इंद्रियों के माध्यम से जो जानता है उस काल में प्रमाता कहा जाता है, तो भावाभाव पदार्थों की जो उत्पत्ति विनाश प्रमाता से ही सिद्ध हो जाएगा साक्षी की क्या आवश्यकता है, शंका है ये कहना है प्रमात्रा तत्सिद्धे तत्सिद्धे उत्पत्ति विनाश की सिद्धि प्रमाता से ही होने से अलम साक्षी साक्षी क्या लेना है, शंका करके उत्तर दे शंका है इसका उत्तर देते हैं तद्भावाभाव तत्सिद्धेर वैभव, और प्रमाता के भाव और अभाव को प्रमाता के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाएगा, इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं कर पाता सुषुप्ति अवस्था में, मैं इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा प्रमाता नहीं जानता, प्रमाता अंतकरण के होने पर प्रमाता होता है, उपाधि होने पर उपाधि नहीं उस काल में, अन्य के भावाभाव की सिद्धि भले प्रमाता से हो जाए किंतु स्वयं उसकी भावाभाव की सिद्धि प्रमाता से कैसे हो, ये कार्य उस साक्षी से ही होता है, तद भावाभाव जो प्रमाता के होना न होना भाव अभाव तद असिद्धे उसके द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए वैभव कहा द्रष्टुर दृष्टे इत्यादि कहा था द्रष्टुर आत्मय भया दृष्टि द्रष्टारूप जो दृष्टि है ये दृष्टा जो प्रमाता है इसके स्वरूप है जो दृष्टि जिस दृष्टि का अभाव नहीं होता वहाँ
सुषुप्ति अवस्था में साक्षी द्रष्टुर आत्मैव या दृष्टि प्रत्यक्ष दृष्ट्या समीक्षते, उसके स्वरूप दृष्टि से देखने पर उसका स्वरूप होता है। वास्तविक प्रमाता दृष्टा है, जागरूक में घट दृष्टा पट दृष्टा बना है, तो इसके जो स्वरूप के समीक्षण करने पर वो उसके साक्षी ही इसका स्वरूप होता है, साक्षी में कल्पित है प्रमाता, ये कहना है। दृष्टादि बोला था द्रष्टुर आत्मा भी या दृष्टि प्रत्येक दृष्टिया समीक्ष, प्रत्येक दृष्टि उसके स्वरूप दृष्टि से देखा पर उसका स्वरूप भी होता है साक्षी, इसलिए तस्या विप्रलोकोत्र न कथन लिखते, उसका कभी अभाव नहीं होता उस साक्षी का, ये कहा ठीक है बोलते हैं। तत्र अनुभवम प्रमाण दे, अनुभव प्रमाण है प्रत्येक दृष्टिया, जब अंतर्मुखी वृत्ति से देखते हैं तो दृष्टा जो प्रमाता है जागृत काल में घट दृष्टा पट दृष्टा बना हुआ है, उसके जो स्वरूप है वो साक्षी ही होता है, इसके द्वारा अनुभव किया जाता है। कहा आत्मदृष्टि के साधकत्व किम आयातन कहते हैं, आत्मदृष्टि के साधक है, आत्मदृष्टि सबका साधक है, इसमें क्या आया कहा तस्या इत्यादि, कहा तस्या पितृलोक इत्यादि, तस्या पितृलोकोत्र न कथन थे, उसका अभाव कभी नहीं हो सकता, जिसके बिना किसी की सिद्धि नहीं हो पाती है उसका अभाव कभी नहीं होता। ठीक है, कहते हैं कथन चला स्वतोगा प्रतभा, स्वयं भी उसका अभाव नहीं है, अन्य के माध्यम से भी नहीं, स्वतः नाश भी नहीं कि इसके अन्य के द्वारा नाश भी नहीं, उसके अभाव कभी नहीं होता, यही अर्थ है। सा भी त्रिष्टुत्वाद मातृवत उच्छित देता है इतिहास में कहा, कहते हैं वो जो साक्षी रूप जो दृष्टि है उसका भी अभाव होगा, जैसे प्रमाता की दृष्टि का लोप हो जाता है, जागृत में घट को देखा था उसका लोप हो जाता है, तो साक्षी की दृष्टि भी साक्षी रूप दृष्टि भी दृष्टि समान दृष्टित्व धर्म समान है, जैसे प्रमाता की दृष्टि में दृष्टित्व है साक्षी में भी वैसे दृष्टित्व है, तो वो दृष्टि को अभाव होगा, जैसे प्रमाता की दृष्टि अभाव हो जाना है इसी प्रकार साक्षी की दृष्टि साक्षी रूप दृष्टि का अभाव हो, एक अनुमान से पूर्वाधिक बोलता है सा भी मानी वो दृष्टि प्रमाता की जो दृष्टि है एक साक्षी रूप दृष्टि है, दृष्टित्व मातृवत एक दृष्टांत है, वो जो साक्षी रूप जो दृष्टि है वो भी विनाशी है, क्यों दृष्टित्व दृष्टित्व से मातृवत प्रमाता की दृष्टि के समान पूर्वादि का उच्छेद है नाश होगा, साक्षी रूप जो दृष्टि विनाश हो क्यों दृष्टि होने से प्रमाता की दृष्टि समान, इस हनुमान के द्वारा आशंका उठाए तो कहा आत्मा इत्यादि कहा वाक्य कहा इसको आत्मैव आत्मभूत आत्मैव आत्मीभूत या दृष्टि अविनश्वरी अविनश्वरी द्रष्टुर्विनाशिनाथ्य रूपपत्यते कहा विनाशिना द्रष्टु जो विनाशी दृष्टा है कौन प्रमाता, विनाशी दृष्टि का अभाव हो जाता है प्रमाता का, इंद्रियों के माध्यम से जो जागरूकता में देखने वाला सुषुप्ति में नहीं होता क्यों इंद्र का अभाव है, तो ये कहते हैं यहाँ आत्मैव आत्मीय भूत द्रष्टुर आत्मीय भूतस्य अविनाशिना, दृष्टा के जो आत्मीय स्वरूप है आत्मा ही है वो दृष्टि, आत्मा ही स्वरूप ही है साक्षी है उसके स्वरूप, या दृष्टि जो आत्मा स्वरूप है या दृष्टि अभिनेश्वरी वो दृष्टि अभिनेश्वरी है विनाश नहीं होती उस दृष्टि, तस्वित रूप दे उस दृष्टि के अभाव कभी नहीं होता उच्छेद नहीं होता, नाश योग्यत्व उपवादी सम्मान में नाश योग्यत्व उपवादी है कहते हैं सम्मान दिया था पूर्वादी ने, साक्षी दृष्टि का भी अभाव होता है दृष्टि दृष्टित्व होने से प्रमाता की दृष्टि के समान, जैसे प्रमाता की दृष्टि अभाव हो जाना नाश होता है साक्षी दृष्टि नाश हो तो कहते हैं यहाँ पर नाश योग्यत्व उपवादी है, नाश योग्यत्व उपवादी मान यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि, साध्य ही है विनाशित्व है उच्छेद उच्छेद होना विनाश विनाशित्व, जहाँ जहाँ विनाशी होगा वहाँ पर नाश योग्यत्व रहता है और जहाँ जहाँ दृष्टित्व है नाश योग्यत्व नहीं है, मान प्रमाता की दृष्टि नाश योग्य है मान प्रमाता की दृष्टि विनाशी है क्यों नाश का योग्यता है उसमें, और साक्षी रूप जो दृष्टि है नाश की योग्यता नहीं होगा दृष्टिकोण पर ये कहा। ठीक है ठीक है साधना भी आपके संग देखा था नहीं नहीं जहाँ जहाँ दृष्टित्व होगा वहाँ वहाँ भी नाश योग्यता है ऐसे संघ गुरुवारी बोलता है तो उत्तर देते नहीं आर वहा इत्यादि कहा कैसे बोलते हैं
आगमापायिनो द्रष्टु दृष्टि तत्साक्षिणीतया द्रष्टादि लोकसाक्षित्वात् तस्य लोको न युज्यते। आगमापायिनो द्रष्टु दृष्टि, द्रष्टादि जो दृष्टि, प्रमातादि जो दृष्टि है, घटद्रष्टा पटद्रष्टा बनाया जाएगा अवस्था में, उसका जो प्रमाता कहा जाता है, उस काल में अंतकरण है, उसका इंद्रियों के माध्यम से जानता है, उसकी दृष्टि विनाशी है, घर को कभी देखना होता है कभी नहीं देखना होता है, दृष्टि अविनाशी दृष्टि नहीं है उसकी दृष्टि। आगवा पाए को द्रष्टुर द्रष्टुर दृष्टि, ये दृष्टादि में जो दृष्टि है तत्साक्षण, आगवा पाए को द्रष्टु दृष्टि तत्साक्षण क्रिया, वो दृष्टि जो आगवा पाई है, दृष्टा की दृष्टि उत्पत्ति विनाश वाली है, प्रमाता की दृष्टि उत्पत्ति विनाशी है, साक्षी जो या साक्षी में जो दृष्टि, साक्षी रूप जो दृष्टि है, वो दृष्टि जो साक्षी दृष्टि साक्षी तो या दृष्टादि लोक साक्षित्व, और दृष्टा का लोक भी कोई वृत्ति कोई साक्षी जानता है, इस काल में प्रमाता नहीं है, शिशु देवता प्रमाता का भाव साक्षी को द्वारा जाना जाता है, लोक साक्षित्व तस्यालोपन विद्यते, उस दृष्टि का लोक कभी भी नहीं होता, साक्षी का लोक नहीं होता। टीका में कहते हैं आत्मदृष्टि नित्यत्व हेतुंतर, आत्मदृष्टि जो है ना दृश्य स्वरूप जो आत्मा है वो नित्य है, अनित्य नहीं, कुछ अन्य हेतु ने कहा सत्यव इत्यादि कहा मालूम, सत्यव साक्षिणी यतो भावा भावो प्रसिद्धतः जगतो तो ननासस्य आत्मदृष्टि कुतश्चन, साक्षिणी सत्यव साक्षी के होने पर ही, यानी साक्षी आत्मा साक्षी संसुप्त आत्मा साक्षी है, सत्य व साक्षिणी साक्षी को होने पर ही जगतो भावा भाव प्रसिद्धतः, जगत के जो भाव और अभाव सारा संसार के भाव और अभाव की प्रसिद्धि तभी होगी साक्षी के होने पर ही होगी, साक्षी भी नहीं तो कौन जानेगा भी जगत नहीं है, सुषुप्ति में जगत नहीं है, जागृत में जगत है कौन जाने, यतः इस कारण से सत्य व साक्षिणी साक्षी होने पर भी जगतो भावा भाव प्रसिद्धि, जगत के भाव और अभाव दोनों की प्रसिद्धि साक्षी से होना है, साक्षी को होने पर ही प्रसिद्धि होगी, नहीं तो जगत के भाव अभाव प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी, अतो इसलिए ना नाश्य आदि, इसलिए साक्षी का नाश नहीं है, साक्षी दृष्टि का नाश नहीं है, आत्मदृष्टि कुछ आत्मदृष्टि में साक्षी रूप जो दृष्टि है उसका अभाव नहीं होता, आत्मा ही नहीं तो जगत के अभाव और भाव कैसे जानेगा, जागृत में देखता है भाव दिखता है, सुषुप्ति में अभाव दिखता हो तो सुषुप्ति आत्मा न हो तो भाव अभाव कौन जानेगा, इसका नाश नहीं होता, ये जगतो भावा भाव, जगत का जो भाव और अभाव कभी होना कभी न होना दो तरह से होता है, घर पर नष्ट हो गया है नहीं है, सारा पदार्थ ऐसे है भावा भाव, कभी भाव होता है कभी अभाव होता है, जगतो भावा भाव जड़ पेरा, भाव भी जड़ है अभाव भी जड़ है, जगत का जड़ रूप होने से आत्मसाक्षीत्व उसको जानने वाला आत्मा साक्षी वाला है, जगत का जो भावा भाव स्वयं जड़ है स्वयं जान नहीं पाएगा, इसलिए आत्मसाक्षी वाला है, आत्मा जानता है कभी जगत है कभी नहीं है, आत्मसाक्षी सुश्रुति में अभाव दिखता है जागरूक में भाव दिखता है जगत का, आत्मसाक्षी वाला होने से एक आत्मस्वरूप भूता, जो आत्मा का स्वरूप भूत जो दृष्टि है ना, साक्षी आत्मा का जो स्वरूप भूत जो साक्षी है, दृष्टि अविनाशी नहीं, साक्षी रूप जो दृष्टि अविनाशी है, यह हेतु वाक्योक्ति यहाँ हेतु बता दिया था। आगे टीका से देखना है 28 पृष्ठ में, द्रष्टुर दृष्टिर ननश्यति इत्यत्र विरोधम जो रहती है, द्रष्टा की दृष्टि माने द्रष्टा रूप दृष्टि, या दो अर्थ है, या तो द्रष्टा माने प्रमाता, द्रष्टा की दृष्टि माने साक्षी, जिस दृष्टि जिस साक्षी से प्रमाता की सिद्धि होती है उसको द्रष्टा की दृष्टि कहा, अथवा द्रष्टा रूप दृष्टि का ही विशेषण है, यही द्रष्टुर दृश्य दृष्टि विशिष्टि है और दृष्टि विशिष्टि है विशेषण है, द्रष्टा रूप जो दृष्टि साक्षी रूप जो दृष्टि ऐसा भी आता है, द्रष्टु दृष्टि ननश्यति इत्यत्र विरोधम चोदयति, पूर्वाद विरोध करेगा, द्रष्टा की दृष्टि का नाश नहीं होता है, यहाँ विरोध है, द्रष्टा की दृष्टि, द्रष्टा माने दर्शनकर्ता को दृष्टि कहा जाता है, दृष्टि बनाने वाले को द्रष्टा बोला जाता है, दृष्टि बनाने वाला माने दृष्टि बनती है, दृष्टा से बनती है, जो बनना है वो नाशवान होता है, तो दृष्टि कैसी नित्य हो अविनाशी कैसी हो, ये शंका करना है, द्रष्टुर दृष्टिर ननश
नमस्यति इत्यत्र विरोधम चलता है। विरोध दृष्टा की दृष्टि बोलना, कुछ काम करने वाले को कर्ता बोला जाता है, देखने वाले को दृष्टा बोला जाता है। देखना रूप किसमें, दृष्टा में, देखना उत्पन्न हो गया दृष्टा में, तो उत्पत्ति हो, मान हो और नाश का हो, अविनाशी कैसे हो, विरोध है जो उत्पन्न मान है, उत्पत्ति वस्तु है, नाश होते हैं, पूर्वादि की संतानों का टीका नानो विप्रसिद्धम इदम अविधीयते। विरोध कहा जाता है आपके द्वारा, द्रष्टो सा दृष्टि, वह जो दृष्टा की दृष्टि, सा दृष्टि वह दृष्टि, दृष्टा की वो जो दृष्टि, वह दृष्टि दृष्टा की बोल रहा हूँ, किसकी दृष्टि, दृष्टा की। न विप्रति लोप नहीं होता बोल रहा, अभाव नहीं होता बोल रहा, दृष्टा की दृष्टि माने दृष्टा उसका कर्ता हो गया, दृष्टिकर्ता को दृष्टा बोला जाता है, घटकर्ता को घटकर्ता बोला जाता है, दमनकर्ता को दमनकर्ता बोला जाता है, दृष्टि को बनाने वाले को दृष्टिकर्ता बोला जाएगा। तो दृष्टा की दृष्टि है तो उत्पत्तिमान दृष्टि है, वो दृष्टा बनाएगा उसको उत्पन्न करेगा तो नाश भी होना चाहिए, दृष्टा की दृष्टि का नाश नहीं होता कैसे होती, ये शंका है। नानो विपरीत सिद्धम की अविधि है, ऐसा कहा जाता है आपके द्वारा, तो विरोधी बात है। द्रष्टु सा दृष्टि, सा दृष्टि द्रष्टु, वो दृष्टि किसकी, दृष्टा की, ऐसा मानना। और नीपरिलुप्यते लोप नहीं होता बोलना, अभाव नहीं होता बोलना, जब दृष्टा जन्य दृष्टि है तो अभाव होगा उसका, लोप नहीं होता था तो विरोध है। दृष्टि से दृष्टा क्रियते, पूर्वादि और विशेष बताता है, दृष्टि दृष्टा के द्वारा किया जाता है, बनाया जाता है, दृष्टि देखना जो है दृष्टा का काम है, दृष्टा पहले होगा उसके बाद दृष्टि बनेगी। दृष्टि से दृष्टा क्रियते, दृष्टा के द्वारा दृष्टि बनाई जाती है, इसलिए कार्य कोटि में आ जाती है, दृष्टि किसमें, कार्य कोटि, और जो कार्य होगा कृतक होगा वो अनित्य होगा, व्याप्ति है यदि कृतकम तद अनित्य। दृष्टा के द्वारा दृष्टि बनाई की जाती है और दृष्टा की दृष्टि का नाश नहीं होना चाहना कैसे, जो कार्य होगा वो विनाशी होता है, घटादि में देखा गया है, बनते हैं तो बिगड़ते हैं, विनाश होता है, तो फिर उसको अविनाशी कैसे बोला है, गुरुवाणी की कहना है। दृष्टि से दृष्टा क्रियते, दृष्टा के द्वारा दृष्टि की जाती है। एक नंबर टिप्पणी बताया, तथा से कार्य व्यवसाय सामने दृष्टि जो है कार्य ही है, जो कार्य होगा विनाशी होता है, यदि कृतिकम तद अनित्यम, जो कार्य होगा विनाशी होगा। दृष्टि कर्तृत्व आदि दृष्टा होते, दृष्टि के कर्ता होने से तो उसको दृष्टा बोला जाता है, दृष्टि का कर्ता होता है तो तब दृष्टा कहा जाता है, गमन का कर्ता हो तो गंता बोला जाता है, दृष्टि के कर्ता होने पर दृष्टा बोला जाता है, और जो दृष्टा के द्वारा किया जाता है उसको अनित्य होता है, दृष्टि अनित्य होनी चाहिए, फिर अविनाशी कैसे बोला, अविनाशी तो कैसे दिया, अभिरूपते कैसा बोला, अपरिव्यक्तरूपते कैसा बोला, क्रियमाणा तो दृष्टा दृष्टि न विपरिलुप्यते इति असत्यम भक्तों, दृष्टा के द्वारा दृष्टि की जाती है, किया किया गया और न विपरिलुप्यते बोला, उसको अभाव नहीं होता कहना असत्यम भक्तों, ऐसा बोला नहीं था, जब किसी के द्वारा किया जाए वो वस्तु अनित्य है, यदि कृतिकम तद अनित्य, दृष्टा के द्वारा दृष्टि की जाती है फिर उसको अविनाशी बोल दो, ये तो असत्य है, बोला नहीं जा सकता, ये पूर्वाधिक शंका है। क्रियमाणा तो दृष्टा दृष्टि, दृष्टा के द्वारा दृष्टि क्रियमाण है, किया जाता है, दृष्टा दृष्टि को उत्पन्न करता है और उसको ऐसे क्रियमाण दृष्टि को न विपरिलुप्यते इति ऐसा बोलना असत्यम भक्तम, ऐसा बोलना संभव नहीं है, विरोध है, ये पूर्वाजी कह रहा है। दो की टिप्पणी इस तरह है, दृष्टु कार्यभूता, दृष्टि के कार्य रूप है दृष्टि, जब कार्य रूप है और उसको अविनाशी करना, अविपरिलोप बोलना असत्य है, असत्यम। एक नंबर कहा कार्य से नाश अवश्यम भावा, जो कार्य होगा उसका नाश अवश्यम भावी है, तो फिर अभिपरिलोपित कैसे बोल दिया, नहीं दृष्टि दृष्टि अभिलोपित, दृष्टा की दृष्टि बोलना, दृष्टि माने कार्य है वो, और कार्य का लोप नहीं होता, अभाव नहीं होता, कैसे बोल दिया, ये शंका आगे उत्तर देते हैं सिद्धांति। मनो सिद्धांति को ऐसे कहा जाता है तो शंका की जाती है, न विपरीलुप्यते इति वचनात् अविनाशिनः, दृष्टा के द्वारा भले किया जाए दृष्टि, फिर
ना भी बने लुपे थे वचन भी तो है ना, वहाँ उसका अभाव नहीं होता है, शुद्ध वचन है, इसके माध्यम से अविनाशी मानो तो पूर्ववाद होता है ना, ऐसे नहीं मान सकते। वचन से व्यापकत्व, वचन जो होता है ना शब्द है, शुद्धि शब्द है, वचन है ना, विपरीत रूप में ऐसा कहा तो व्यापक है, तारक नहीं है, वचन करवा नहीं सकता, व्यापक होता है। वचन से कारक व्यापकत्व, वचन व्यापक होता है, कारक नहीं होता, व्यापक करता है। नहीं न्याय प्राप्त विनाश कृतक वचन सत्यता भी बाधक तुम सकते, युक्ति से प्राप्त है, अनुमान से प्राप्त है, जो कार्य होगा वो विनाशी होगा, यदि दृष्टि दृष्टा का कार्य है तो विनाशी अवश्य मानते हैं, यदि कृतकम तद अनित्यम ऐसी व्याप्ति मिलती है, जो कार्य होगा वो विनाशी होता है, यदि खेती आदि कार्य होते हैं वो विनाशी होते हैं। नहीं न्याय प्राप्त है, अनुमान से प्राप्त है कि यदि कृतकम तद अनित्यम ऐसी व्याप्ति है, न्याय प्राप्त है हमने अनुमान से प्राप्त है विनाश, क्यों दृष्टा के द्वारा दृष्टि की जाती है वो दृष्टि अनित्य है, विनाशी ने अविनाशी ने विनाशी है, क्यों कृतकस्य कृतक जो होता कार्य होगा बनाया गया है जिसको विनाश होता है, फिर अभिपरिणों को नित्य कैसे बोला, इस पूर्ववादी की संज्ञा है कृतकस्य तीन नंबर के पर बताया कार्य से जो कार्य होगा वो विनाश होगा, चाहे एक वचन नहीं यहाँ एक विपत न विपरीतों को विद्यते है विपरीतों को न विद्यते इत्यादि कहा, इतने एक वचन सौ करोड़ वचन आ जाए तब भी उसको सिद्ध नहीं कर सकता, क्यों अनुमान से विरुद्ध है, जो कार्य होता है वो अनित्य होता है, लोग वचन से यथा प्राप्तार्थ क्या पड़ता, वचन जो होता है ना अभी विपरीतों को न विद्यते वाला जो है अभिप्रीतों को विद्यते वाला वचन है, एक स्थिति है दृष्टि दृष्टि माने कार्य में आकर दर्शा की दृष्टि दर्शा के द्वारा बनाया जाता है, वचन जो होता है जैसा प्राप्त है उसको ज्ञापन करता है, जैसे प्राप्त होगा उसको बता देता है वहाँ सही है कि गलत है, ऐसा नहीं कहता वचन, वचन से यथा प्राप्तार्थ ज्ञापन बोला जैसे प्राप्त विषय को बताता है, चार की टिप्पणी बताया है, यद्यपि बारांतर विरुद्धम अर्थम बचो न बोलाएगी, यद्यपि अन्य प्रमाण से विरुद्ध अर्थ का कथन नहीं करता वचन श्रुति वचन, तथापि तम करोति फिर भी करता है, यद्यपि सामान्य है कि बारांतर विरुद्धम अर्थम बचो नमो उदहति अन्य प्रमाण के द्वारा विरुद्धि जो अर्थ को श्रुति नहीं कहेगी वचन नहीं कहेगा अभिप्रणु विद्यति कर द्वारा, तथापि तम करोति फिर भी कर सकता है वचन, इस शंका की हम सिद्धांत के द्वारा तो कहते हैं वचन से यथा प्राप्तार्थ ज्ञान करता, वचन जो होता है जैसे वस्तु प्राप्त हो गया उसको बोल देता है, विचार किए बिना बोलता है सही है कि गलत है, तदुपतम बात के बाद में इस बात को बताया सिद्ध से व्यंजक अनुमान न तो तत्कारकम यत उक्ते ना तो विनाशित्वम द्रष्टु दृष्टि हस्यते, प्रमाण जो होता है ना श्रुति प्रमाण दिया यहाँ यही है विपरीत लुप्य ने कहा नहीं द्रष्टु दृष्टि न विपरीत लुप्य वचन कारक नहीं होता करवा नहीं सकता, जो वस्तु जैसा देखा बोल देता है करा नहीं सकता, उगते ऐसा कहने से ना तो अविनाशित्व द्रष्टु दृष्टि दृष्टा की दृष्टि अविनाशी नहीं है, जो अनुमान से विरोध है यदि कृतिकम तदनित्यम, ये पूर्वादि की शंका कहा, यह शब्द पूर्वार्धगामी जो यह शब्द है यह सिद्ध से व्यंजकम वहां जाकर अन्वय करता है, मान भूमि विषय से प्रमाण भूमि विषय को बताता है प्रमाण या प्रमाण में ऐसा दिखाई पड़ता है कहा तो पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत आगे बोलेंगे टीका है टीका से देखा प्रतिषेध में बता रहे थे विरोध है दृष्टा की दृष्टि बोलना और फिर नाश नहीं होता बोलना है विरोध है, दृष्टा की दृष्टि में दृष्टा के द्वारा बनाई जाने वाली दृष्टि दृष्टि माना अनित्य हो गई जो कार्य है तो अनित्य होता है और उसको अविनाशी बोलना विरोध एक विरोध को ही सिद्ध करता है पूर्वादि दृष्टिश्च कहा दृष्टिश्च दृष्टा क्रियते दृष्टि जो है दृष्टा के द्वारा बनाई जाती है किया जाता है दृष्टि कर्तृत्व आदि दृष्टा दृष्टा तभी कहा जाता है दृष्टि के कर्ता होने पर दृष्टा बोला जाता है ऐसा ही
कार्य से बदलाव अभिनाश से संग एकदेशी सिद्धांत में जो एकदेशी होता है वो शंका उठाता है कुर्बानी के विरुद्ध में कार्य होने पर भी कार्य से अभी बदलाव शुद्धि वचन है नीपते शुद्धि वचन है इसको नित्य माना जाएगा कार्य होने पर भी ये शंका सिद्धांत की ओर से शंका है मनो न विपरिलुप्यते इति वचनार ऐसा वचन है ना श्रुति में नहीं त्रस्तृ दृष्टि विपरिलुप्यते अविनाशी न विपरिलुप्यते शब्द है इसके बाद वचन होने से कार्य होने पर भी नित्य होगा ये शंका उठाए तो पूर्वाद ने कहा ना करके खत्म करता है तस् अकारकत्वात् वचन जो होता है ना कारक नहीं होता ज्ञापक होता है जो वस्तु जैसा देगा वैसे बोल देता है कारक नहीं होता करवा नहीं सकता तस्य मैंने वचन से साथ की टिप्पणी में कहा होगा वचन से वो वचन शुद्ध में जो वचन है न विपरीत रूप के जो वचन है वो कारक नहीं है वचन तस्य अकारकत्व नहीं हो ऐसा नहीं कहना पर पूर्वादि खंडन करता है न वचन से ज्ञापकत्व वचन तो ज्ञापक होता है कारक नहीं होता ज्ञापक है वचन तदेव स्मृत यदि वचन कारक नहीं होता ज्ञापक होता है इसी को स्पष्टीकरण करता है अर्थ का अकारकत्व में वचन अकारक होता है कारक नहीं होता इसको स्पष्टीकरण करता है नहीं कहा नहीं न्याय प्राप्त हो विनाश कृतकस्य वचन संदेश आप निवारण हो सकते युक्ति से जो प्राप्त है विनाश जो कार्य होगा यदि कृतकम तदनित्य माने अनुमान से सिद्ध होता है जो कार्य होता है अनित्य होता है जैसे घटादि कार्य है अनित्य होते हैं तो कर्ता के द्वारा दृष्टा के द्वारा किया जाता है दृष्टि फिर वो उसको नित्य मानना है तो विरोध है ये पूर्वादि करना ठीक है यदि कृतकम तदनित्यम व्याप्ति है ऐसा संबंध होता है जो कार्य होगा वो विनाशी होगा व्याप्ति अनुगृहित अनुमान जो होगा ऐसे व्याप्ति के द्वारा अनुगृहित व्याप्ति के द्वारा अनुगृहित अनुमान है यहाँ अनुमान के विरोध होने से न कार्य नित्य तो होगा तो हम वचन जो है ना कार्य को नित्य सिद्ध नहीं कर सकता कार्य तो अनित्य होता है अनुमान से सिद्ध होता है ये कहा पूर्वा आगे सिद्धांत बोलते आगे अब इसके आगे यहाँ तक ये भाष्य पूर्वादि कथा भी अब सिद्धांत गवाए कूटस्थ दृष्टि देव अत्र दृष्ट शब्दार्थ हो नहीं द्रष्टु दृष्टि में द्रष्टा जो शब्द है ना द्रष्ट द्रष्टु जो दृष्टि शब्द है वो कूटस्थ दृष्टि का विशेषण है निर्विकार दृष्टि का विशेषण है षष्ठिंत षष्टि नहीं व्यधिकरण नहीं है द्रष्टा की दृष्टि ऐसी नहीं द्रष्टारूप दृष्टि ऐसा अर्थ करता है कूटस्थ दृष्टि देव अत्र अत्र मैंने स्मृति में नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीलोकों में स्थित अविनाशित आत्मा द्रष्ट दृष्ट शब्द दृष्टि शब्द दोनों समानाधिकरण है व्यधिकरण नहीं है कूटस्थ दृष्टि देव अत्र दृष्टि शब्द अर्थ दृष्टा शब्द का अर्थ है कूटस्थ दृष्टि है निर्विकार दृष्टि को दृष्टा कहा न दृष्टिकर्ता या दृष्टिकर्ता को दृष्टा नहीं बोला जाता कूटस्थ दृष्टि को ही दृष्टा बोला है तन्न विप्रतिषेध अस्थित लिए कोई विरोध नहीं है इति सिद्धांत है कि इस प्रकार सिद्धांत पूर्वादि के संतान पर इस प्रकार के सिद्धांत करवाते हैं नई से दोषा करके सिद्धांत कहा कि कोई दोष नहीं था पांच के टिप्पणी में नई से दोष में कहा भारतीय तो दृष्टुर दृष्टि यदि समानाधिकरण षष्ठ हो भारतीय में ये बोला है दृष्टुर दृष्टि यदि समानाधिकरण षष्ठ हो दृष्टि यदि दृष्टु इत्यस्य विशेषणम और ये दोनों परस्पर विशेषण विशेषण विशेष भाव कहा दृष्टा रूप दृष्टि अथवा दृष्टि रूप दृष्टा भारत में से कहा दृष्टु इत्यस्य विशेषण तथा दृष्टि रूप से दृष्टुर जो दृष्टि स्वरूप दृष्टा है दृष्टि भिन्न दृष्टा भिन्न नहीं इत्येवं अर्थो अर्थ वर्णित यही वर्णन किया है तो पूर्वादि की संज्ञा हो गई थी यही कि विरोध कहा जाता है दृष्टा की दृष्टि का ना और अभाव में होता बोलना विरोध है दृष्टि जो है कार्य है दृष्टा के द्वारा किया जाता है दृष्टि कार्य है क्यों कार्य होता है अनित्य होता है तो कैसे आप फिर अविरोध को विद्य बोलते विरोध को नित्य कैसे बोला उसका अभाव में होता कैसे बोला कार्य का तो अभाव हो जाता है ये शंका इसी पहले नए सदोषा सिद्धांत का कोई दोष नहीं आदित्यादि प्रकाशकत्व दर्शन उपलब्ध जैसे आदित्यादि नित्य प्रकाशवान है फिर भी आदित्य प्रकाश है ऐसा बोला जाता है आदित्य प्रकाश करता है ऐसा बोलते हैं बोला जाता है और नित्य प्रकाश वाला स्वरूप है उसका ये नहीं कि आदित्य में कभी प्रकाश आए कभी ना आए ऐसे नहीं है प्रकाश का अभाव वाला पदार्थ नहीं आदित्य
तो आदि प्रकाश आदि का प्रयोग होता है, आदित्य प्रकाश आदि, आदित्य प्रकाश करता है, बोला जाता है। नित्य दृष्टि में भी दृष्टा की दृष्टि बोला जाता है, इस प्रकार कहा नहीं समझा आदित्य आदि प्रकाश करता है, जैसे प्रकाश प्रकाशक पदार्थ किसी अन्य को प्रकाश करते हैं, आदित्य आदि है, सूर्य आदि है, आदित्य आदि प्रकाश करते वह दर्शनों को यह दृष्टि संभव है, दृष्टु दृष्टि संभव है। आदित्य मान प्रकाश के पुंज ही आदित्य होता है, आदित्य आदित्य प्रकाश ही बोला जाता है, नित्य स्वरूप होने पर भी क्रिया का बोधक हो जाता है, ठीक है इस प्रकार से। यथा आदित्य और नित्य प्रकाश स्वभाव आदित्य आदि नित्य आदित्य आदि पदार्थ है, दीपक आदि है, आदित्य आदि है, सूर्य आदि है, नित्य प्रकाश स्वभाव वाले हैं, और प्रकाश आगंतुक नहीं आदित्य में, नित्य प्रकाश वाले हैं, स्वभाव वाले हैं, स्वरूप होते हुए भी एवं सब ऐसा होते हुए स्वाभाविक नित्य ने प्रकाश है, प्रकाश है अपने नित्य जो स्वाभाविक प्रकाश है उसी के द्वारा वस्तु को प्रकाश करते हैं, प्रयोग होता है आदित्य प्रकाश है, ऐसा प्रयोग हो जाता है, प्रकाश है कहा छेदमर्ति प्रयोग कहा प्रकाश हिंदी इतम प्रकाश कर्तृत्व न उच्चते प्रकाश हिंदी बोले तो प्रकाश करने वाले कहा गया, प्रकाश का कर्ता रूप से कहा जाता है, नित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी प्रकाश के कर्ता रूप से प्रयोग होता है, ठीक है इस प्रकार यहाँ भी नित्य दृष्टि होने पर भी ये कहा जाता है, दृष्टु दृष्टि बोला जाता है, ये कहा नहीं अप्रकाश प्रकाश थे इत्यादि बोले नहीं अप्रकाशात्मा संत प्रकाशन कुरवंता प्रकाश है ऐसा तो नहीं कहा जाता, पहले प्रकाश स्वरूप रहो इत्यादि पश्चात प्रकाश प्रकाश अप्रकाश स्वरूप होते हुए प्रकाश करते हो उस काल में प्रकाश है शब्द प्रयोग नहीं होता, पहले से प्रकाश रूप है प्रकाश स्वभाव में फिर भी प्रकाश हिंदी बोला जाता है, प्रकाश करते हैं इत्यादि बोला जाता है, जैसे उसी प्रकार यहाँ भी नई दृष्टु दृष्टि त्रिगुणों में दृष्टा बन नित्य दृष्टि हो अनित्य दृष्टि नहीं नित्य दृष्टि है, नित्य जैसे नित्य प्रकाश को भी प्रकाश हिंदी का प्रयोग हो सकता है, इसी प्रकार उसको लेकर यहाँ भी दृष्टा की दृष्टि में जो दृष्टि नित्य दृष्टि होने पर भी मान दृष्टा की दृष्टि बोला जाता है, कौन प्रयोग किमता ही स्वभाव नित्य प्रकाश है ना, उनके पास नित्य स्वभाव स्वरूप है, नित्य प्रकाश रूप से प्रकाश करते हैं आदित्य आदि, आदम तो प्रकाश से प्रकाश नहीं करते आदित्य आदि अप्रकाश रूप होते हुए प्रकाश करते हैं, बात नहीं है स्वभाव नित्य प्रकाश है कहा स्वभाव उनका स्वभाव है नित्य प्रकाश स्वरूप है, उसी के द्वारा प्रकाश नीति का प्रयोग होता है, ठीक इस प्रकार तथा अयम भी आत्मा ही आत्मा भी साक्षी रूप जो आत्मा है अभी परिलुप्त स्वभाव आया दृष्टिया, इसकी दृष्टि ऐसी दृष्टि आत्मरूप जो दृष्टि है कभी भी अभाव न होना स्वरूप है इसका विराश और विनय स्वरूप इसका नित्य या दृष्टा नित्य नित्य दृष्टि के द्वारा दृष्टा कहा जाता है, अनित्य दृष्टि से दृष्टा नहीं कहा जाता, पूर्वाजी बोलता है गौणम तर ही दृष्टित्व, फिर आत्मा में तो दृष्टित्व आया मुख्य दृष्टा तो है नहीं, वो अनित्य दृष्टि वाले को दृष्टा बोला जाता है, आत्मा में जो दृष्टि नित्य दृष्टि से दृष्टा का है कौन है वो, ये पूर्वाजी का सिद्धांत नाम ऐसा नहीं मानना एवं एवं मुख्य तो बदले इसी को मुख्य कहा मुख्य सिद्ध हो जाए, इसी प्रकार मुख्य सिद्ध हो जाएगा प्रकाश गौरव तरी एक नंबर कहा नित्य दृष्टित्व नहीं वह आत्मा दृष्टित्व तरीका नित्य दृष्टि रूप होने से ही आत्मा दृष्टा मानने पर तो गौण हो जाएगा, गौण भी बिना विकार प्रकाश का बिना विकार भी प्रकाश करेगा आत्मा अग्निर्माण केवल गौरव व्यवस्था जैसे अग्निर्माण बोल दिया जाता है अग्नि के कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं तेजस्वी आदि गुण देते बालक को अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं गौण होता है गौण प्रयोग है इस प्रकार यहाँ गौण और आत्मा में प्रकाश है तो सिद्धांत नौ मुख्य इतिहास मुख्य है गौण नहीं है मुख्य है गौणोत्तर ही कहा दृष्टम सिद्धांत का नौ दो नंबर के प्रमे कहा नित्य दृष्टि नित्य दृष्टि रूप से ही प्रकाश करता है मुख्य तो यदि ही अन्यथा भी आत्मनो दृष्टित्व यदि नित्य दृष्टि से अतिरिक्त दृष्टि के द्वारा आत्मा में दृष्टित्व हो दृष्टम ऐसा देखा हो तथा ऐसा दृष्टित्व से गौण हो क्योंकि गौण जहाँ गौण दिखाने के लिए अन्य कहीं मुख्य दिखना चाहिए
सौगम होता है, जैसे जंगल में सिंह रहता है या ये बालक जो होता है सिंह से भिन्न होता है, तो सिंह का कुछ आदमी से लेकर के मुख्य सिंह तो वहाँ है, सिंहो बाढ़ बोल दिया जाता है, अरे ये तो शेर है भाई। गौर दिखाने के लिए मुख्य दिखाना पड़ेगा, या मुख्य दिखा नहीं पाएंगे इस सिद्धांत को, इसे मुख्य है यह नित्य प्रकाश प्रभाव पास प्रकाश होना नित्य क्या मुख्य है। यदि ही अन्यथा भी आत्मनो दृष्टित्व, अन्य प्रकार से भी आत्मा में यदि दृष्टित्व आता दृष्ट अवश्य देखा हो तदा अवश्य दृष्टित्व से गौण होता हूँ, उसका हो गया इस आत्मा में जो दृष्टित्व आता है गौण हो, अन्य प्रकार से दृष्टित्व देखा आत्मा के बिना में दृष्टा देखा हो उसका उस स्थिति में आत्मा में जो दृष्टित्व देता है गौण माना जाता है। न तो आत्मनो अन्य दर्शन प्रकार वस्तु, आत्मा से भिन्न कोई दर्शन के लिए प्रकार है आत्मा छोड़कर वो देख नहीं सकता। तीन और चार की टिप्पणी है, पांच भी है, दृष्टित्व भवे यदि ही अन्यथा भी आत्मा में दृष्टित्व भवे दृष्टम भवे इत्यादि। चार में कहा कूटस्थ रूप से अवध्याश्य माने कूटस्थ दृष्टि रूप आत्मा से अतिरिक्त कोई होता तो इस आत्मा को दृष्टित्व कौन माना जाता, अतिरिक्त दृष्टा कोई होता ना भी अतिरिक्त किसने करता कौन तो। पांच की टिप्पणी बताया है चार कौन तो हो सकता है न तो आत्मा ना अन्य दर्शन प्रकार वस्ते आत्मा से भिन्न कोई दर्शन प्रकार है इसलिए इसको गौण नहीं मान सकते। तद एवं मुख्यम तद एवं तदेव तद एवं मुख्यम यही मुख्य है आत्मा में जो दृष्टित्व तो दिखता है नई दृष्टि दृष्टि दृष्टा शब्द है आत्मा के लिए प्रयोग किया है और नित्य है मुख्य है नान्यता अन्य प्रकार से हो नहीं सकता। एक नंबर टिप्पणी में कहा प्रतीचो अक्रिय बोधस्य सन्निधि मात्रेण सर्वदा प्रतीतिरेव तद्भाषकत्वं न तु तद्विकार द्वारा तथा विदभाषकत्वे मानाभाव तदितमे मुख्य मुख्यता। प्रतीचो अक्रिय बोधस्य आत्मा में क्रिया का ज्ञान न होना माने अक्रिय होता हुआ प्रकाश करना, क्रिया के रहित होकर के प्रकाश करना, जैसे आदित्य क्रियाशील होता होते हुए प्रकाश करना नित्य प्रकाश है ठीक इस प्रकार। प्रतीचो अक्रिय बोधस्य सन्निधि मात्रेण केवल सन्निधि मात्र से प्रकाश करता है, वहाँ स्वयं अक्रिय बोध रूप है आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो सन्निधि मात्र से प्रकाश करता है, कैसे जैसे दीपक अपने सन्निधि मात्र से घटादी को प्रकाश करता है, अंधेरे में घटादी प्रकाश करने वाला दीपक दीपक सन्निधि मात्र से करता है प्रकाश, इसी प्रकार प्रतीचा माने आत्मा का अक्रिय बोध से प्रतीचा जो ज्ञान स्वरूप क्रिया रहित जो आत्मा है उसका सन्निधि मात्र जगत सर्व जगत प्रतीति रहे संपूर्ण जगत का प्रतीति है यही तद भाषकत्व वो जगत का भाषकत्व है यही है सन्निधि मात्र से जगत की प्रतीति होना ये आत्मा के द्वारा भाषित माना जाता है, नहीं तो जड़ है इनके प्रतीति नहीं होते आत्मा न होता न तो तद विकार द्वारा विकार के माध्यम से नहीं समझना आत्मा बिगड़ करके प्रकाश करता हो ऐसा नहीं समझना तथापि भाषकत्व विकार के द्वारा प्रकाश मानने में माना भाव प्रमाण नहीं मिलता आत्मा विकृत होता हुआ प्रकाश करता हो इसमें प्रमाण नहीं मिलता तद इधर में मुख्य इसलिए आत्मा में जो दृष्टा दृष्टित्व बोला है मुख्य है ठीक है। एक अध्याय यथा आदित्यादि नाम प्रकाशितृत्व नित्य नैव स्वाभाविक अक्रियमाण प्रकाश न एक जैसे आदित्यादि में जो है ना प्रकाशितृत्व दिखता है नित्य प्रकाश के द्वारा ही होता है अनित्य प्रकाश नहीं आदित्य स्वाभाविक है स्वाभाविक प्रकाश के द्वारा अक्रियमाण क्रियमाण नहीं है वो प्रकाश नित्य है प्रकाश है ना तद तदेव प्रकाशितृत्व मुख्य वही प्रकाश को मुख्य माना जाता है आदित्य आदित्य प्रकाश रहती है इसका मुख्य माना जाता है। प्रकाशितृत्व अन्य प्रकाशितृत्व अंतर अनुपद अन्य प्रकाशित है नहीं इस प्रकार आत्मा में ऐसे समझ लो आत्मा को छोड़कर अन्य प्रकाश नहीं है प्रकाश करने वाला नहीं नित्य प्रकाश स्वरूप ही सिद्ध होता है। तस्मात न द्रष्टुर दृष्टि विप्रलोको विद्यते न द्रष्टुर दृष्टि विप्रलोक विप्रलुप्यते न विप्रतिषेधो भी अस्ति तस्मिन् इसलिए दृष्टा की दृष्टि का अभाव नहीं होता जो कहा था इसमें विप्रतिषेध गंधो भी नहीं विरोध का गंध भी नहीं विरोध तो क्या होगा गंध भी नहीं अविरोध है दृष्टारूप दृष्टि के द्वारा प्रकाशित होगा।
दो अंतिम टिप्पणी में कहा है, दो में हो गया अवतरणोक्तत्वाद बोल दिया तस्मात के बजे आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव होते फलितमा हाथ तस्मात के अवतरण यही है। आत्मा में नित्य दृष्टि स्वभाव होने पर इस पर क्या होगा हाथ हो तस्मात दृष्टु दृष्टि विपुलते न दृष्टु दृष्टि विपुलते दृष्टा की दृष्टि का अभाव नहीं होता यही है। छीन टिप्पणी होता है अत्र ऐसा यहाँ न विपृति इति अत्र अत्र लगाना इसका निगाम है न विपृति भी अस्तु दृष्टा की दृष्टि बोलना और लोप नहीं होता बोलना विरोध है करके पूर्वाद ने कहा था दृष्टि माने जन्य होया है दृष्टा की दृष्टि तो सिद्धांत का कोई गंभीर नहीं जैसे आदित्य प्रकाश है यदि ऐसा बोला जाता है इस प्रकार है सन्निधि मात्र से विकृति होकर के नहीं ठीक है फिर देखेंगे समय हो गया है। पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः।